बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से भाई मैं आपके साथ लाइव हूं और आपको दे दूंगा एक अपडेट। सऊदी अरब से भाई अपडेट ये है कि आप लोगों के साथ मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज शेयर की थी कि मक्का की तरफ जाने वाले, ये न्यूज पहले देख लें क्योंकि खारजी भाइयों के लिए मैं सबके लिए ये बोला था कोई भी ऐसा बंदा इस दफा हज के लिए मत जाए परमिशन वगैरह के लिए, चाहे वो किसी कोई ड्राइवर वगैरह भी आपसे बोल रहा है। वो न्यूज एक अलग बात थी तो वो मैंने आपके साथ शेयर की थी इसलिए भाई के सीधा खरूज लगाया जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी लेकिन अभी इससे भी ज्यादा सख्त किस्म के बयान सामने आए हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो भाई मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूं। मैं सबसे पहले भाई आपको यहां पर यह बताता चलूं, जो बंदा भी मेरा भाई सऊदी अरब में मुकीम है और हज पर गया होगा या पिछले साल या उससे पहले या कभी भी हज किया होगा, उससे बखूबी पता होगा कि सऊदी अरब में जब हम हज पर जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले मीना जाते हैं। मीना से आपको गाड़ी मिल जाती है अरफात के लिए, अरफात से भी आपको गाड़ी मिल जाती है मुजल्फा के लिए। आप वहां पर गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी भाई ऐसी होती है कि कोई अगर 17 सीटर गाड़ी है तो उसमें 30 बंदे घुसाए हुए हैं, उन लोगों ने किराया भी अपनी मर्जी का लेते हैं क्योंकि रश बहुत होता है। मैंने खुद जिस दफा भाई हज किया उस दफा मैंने, आप अंदाजा लगा लें कि मीना से अरफात के 50 रियाल किराया दिया था और अरफात से मुजल्फे के गालबन 50 रियाल ही किराया दिया था और एक डायनानुमा गाड़ी थी वो, उसके पीछे गालबन आप ऐसा अंदाजा लगा लें कि 50 बंदे घुसे हुए थे और मैं भी साथ में खड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे बंद आदमी के साथ आदमी लगा हुआ था। तो 50 रियाल गालबन किराया था, मैंने भी दिया था। वहां पर गाड़ियां वगैरह भी हाजियों को लेकर चलती हैं और दूसरे शहरों से भी हाजियों को लेकर गाड़ियां जाती हैं और मैंने तो सुना भी है भाई, ये आप भाइयों को भी पता होगा खारजियों को कि जो बंदा भी परमिशन के वगैरह हज पर जाता है उसे सऊदी वगैरह गाड़ी के थ्रू कहीं चोर रस्ते से लेकर भी जाते थे। तो भाई उनके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले ये कहा गया है कोई भी ऐसा बंदा जो किसी दूसरे शहर से किसी हाजी को हज के लिए लाएगा बगैर परमिशन के, या ऐसा कोई ड्राइवर कोई गाड़ी वाला जो मक्का के अंदर किसी हाजी को अपनी गाड़ी में बिठाएगा उसे मीना के लिए, मुजल्फा के लिए, अरफात के लिए या मक्का वहां से हरम के लिए वापस लाने के लिए, कोई भी बंदा चाहे वो कोई सऊदी है खारजी है कोई भी है अपनी गाड़ी में किसी हाजी को बिठाएगा तो उसको भाई सीधा सीधा 50,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा और दूसरे नंबर पर उसको 6 माह कैद की जाएगी, चाहे सऊदी है चाहे खारजी है। और खारजियों के लिए तो भाई इससे भी सख्त बात है, वो ये है कि 50,000 रियाल जुर्माना, 6 माह कैद और साथ में खरूज भी लगा दिया जाएगा। ताहयात के लिए आप सऊदी अरब में बैन किए जाएंगे, सऊदी अरब में आप इंटर नहीं हो सकेंगे। अगर आप मक्का में भाई या मक्का से बाहर भी हाजियों को लेकर अगर मक्का की तरफ जा रहे हैं, अगर मक्का में भी हाजियों को साथ बिठा रहे हैं ये पैसों की लालच में, आप सबको पता है जो 5-10 रियाल किराया होता है हज के दौरान वो 50 रियाल हो जाता है, ये तो सबको पता है। तो गाड़ी वाले हजरात के लिए अभी ये न्यू अपडेट आ गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और जो मेरे भाई चाहे वो खारजी हैं चाहे वो सऊदी, अगर भाई आप मीना, मुजल्फा, अरफात इन तीन मैदानों के अंदर कहीं भी पकड़े गए, चाहे आप कपड़ों में मलबूस हैं तो आपको भाई खारजियों का तो सीधा सीधा खरूज लगाया जाएगा और सऊदियों के साथ वो पता नहीं क्या रद्देअमल पेश करते हैं। वो गाड़ी पर तो उन लोगों ने बोल दिया सीधी सी बात है 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह कैद चाहे वो सऊदी है, तो खारजी का तो साथ में खरूज भी लगा रहे हैं वो। तो भाई एहतियात कीजिएगा, ऐसे कोई भी अगर आपसे, खासकर मेरे मक्का वाले भाई अगर आपसे कोई लिफ्ट भी भाई मांगे ना तो लिफ्ट भी मत दीजिएगा कि भाई इधर से मुझे उधर से, मेरी मसला ये हो तो उससे बोलेगा सॉरी मैं आपको नहीं कहीं भी ले जा सकता, बशर्ते कि हाजियों को भाई सीधी सी बात है वो खुद अपनी गाड़ियों में रखेंगे, गाड़ियों में लेकर जाएंगे, वहां पर मखसूस उनके लिए कमरे बनाए जाएंगे अरफात में, मुजल्फा में, मीना में। तो वो एक जाहिर सी बात है हाजियों की एक तादाद है 10,000 के करीब जो कि ज्यादा नहीं है, तो इन मैदानों में जहां 10-10 लाख हाजी आते हैं तो वहां 10,000 सिर्फ हाजी हैं, तो उनको सऊदी गवर्नमेंट बाई प्रोटेक्ट के अंदर अपनी सेफ्टी के अंदर ही रखेगी, उम्मीद तो यही है। तो अगर आपको भाई कोई भी बंदा ऐसे कोई बोले तो उसे लिफ्ट मत दीजिएगा और अगर आप मक्का की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मुझको 200 300 500 दे दो मैं अब तुझको ले जाऊंगा तो उसके साथ भी मत जाइएगा, ये भी फ्रॉड है। अगर आपको वो ले भी गया तो भाई आपका ताहयात के लिए खरूज लगा दिया जाएगा, हो सकता है आपको साथ में जुर्माना भी किया जाए और आपको जेल भी कर दी जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।